इंडिया में जिंक की कमी और उसको कैसे पूरा किया जाए, इस विषय पे थोड़ी सी आप लोगों को जानकारी देता हूँ। बहुत सारे जो मिनरल्स हैं उसके बारे में जानकारी है हम लोगों को, जैसे कि आयरन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जिसको हर कोई जानता है कि आयरन खाना चाहिए उससे खून बढ़ता है, या कैल्शियम खाना चाहिए जिससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं। वैसे ही ये जिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, स्पेशली इंडियंस के लिए। जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें इसकी कमी बहुत ज़्यादा है। चाहे छोटे बच्चों की बात कर लो, आप कभी अपने बच्चे को ले गए होगे किसी बच्चों के डॉक्टर के पास, तो हमेशा अगर दस्त वगैरह रहती है, उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही, वजन नहीं बढ़ रहा है, तो जिंक का सिरप अमूमन लिख देते हैं। रीज़न ये है कि इतने देश में ज़्यादातर बच्चों के अंदर जिंक की कमी होती है, लगभग 50% बच्चों के अंदर। ऐसे ही जब हम कभी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जैसे कि बार बार हमें सर्दी जुकाम होती है, किसी भी तरह की सर्दी जुकाम हो जाए, चाहे साइनस के अंदर हो, टॉन्सिल के अंदर हो, गला खराब हो, फेरेंजाइटिस हो, साइनोसाइटिस हो, या फेफड़े में बार बार निमोनिया हो रहा है, उस केसेस में जिंक की टैबलेट लिख दिया जाता है कि आप जिंक खाइए। ऐसे सारी कंडीशन में जिंक का लिखना अपने देश में बहुत कॉमन है। तो अभी उसकी प्रॉब्लम को समझते हैं और उसको कैसे दूर करा जा सकता है। जिंक वैसे तो एक ट्रेस एलिमेंट है, ट्रेस एलिमेंट मतलब बहुत कम जरूरत होती है। हाँ, जिंक की अगर ज़रूरत की बात करें तो मेल, फीमेल या बच्चे सब में लगभग एक जैसी होती है। दिन की 10 मिलीग्राम चाहिए। 10 मिलीग्राम वैसे तो नंबर बहुत कम होता है, बट ये इतना ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है जिंक की, शरीर के जितने भी इम्यून फंक्शंस हैं, टी सेल्स वगैरह बनाने के लिए, राइट, उन सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा शरीर में लगभग 300 तरह के एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं, उन सब में चाहिए, जो एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, दूसरे भी तरह के मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। रहने का मतलब ये कि शरीर के अलग अलग हिस्सों में बहुत अलग अलग तरह की रिएक्शंस को ये कंट्रोल करता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसकी कमी से शरीर के बहुत सारे अंग प्रभावित होते हैं। जो प्रॉब्लम्स ने देश में है कि हमारे खाने में इसकी कमी बहुत ज़्यादा है। जो जिंक है वो नॉन वेज, जो मांसाहारी खाना है उसमें तो मिलता है, लेकिन शाकाहारी खाने में बहुत कम है, लिमिटेड है। बड़ा कारण ये है कि शाकाहारी खाने में नहीं है। हमारे यहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन वेजिटेरियन है, शाकाहारी है। जो मांसाहारी हैं भी वो हफ्ते में एक आध बार, 2 हफ्ते में एक आध बार, महीने में, और कुछ कुछ तो एक आध साल में कुछ नॉन वेज खाते हैं, तो उनका जो खाने का पैटर्न है वो लगभग वेजिटेरियन जैसा ही हो गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारा मेन खाना है, जो ग्रेन्स है, अनाज है, जैसे कि गेहूं और चावल जो प्रमुख खाने हैं, उसमें एक कंपाउंड होता है फाइटिक एसिड, जो जिंक को बाइंड कर लेता है और उसके एब्जॉर्प्शन को नहीं होने देता। फाइटिक एसिड कोई जिंक बस को बाइंड नहीं करता, वो दूसरे भी जो मिनरल्स होते हैं, आयरन है, कैल्शियम है, इन सबको भी बाइंड कर लेता है। तो ये दो मेजर वजह है इंडिया में जिंक की कमी होने का। एक तो खाने में हमारी कमी है, दूसरा जो हम खाना खाते हैं उसमें फाइटिक एसिड होता है, इसलिए अलग अलग एज ग्रुप के लोगों में बहुत कॉमन है, स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान, लैक्टेशन के दौरान, छोटे बच्चों में, ऐसे लोग जिनको पूरा अच्छे से खाना नहीं मिल पाता, ऐसे लोग जिनका पेट खराब है, जिसमें इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स है, या पेट के अंदर एसिड की कमी है, पेट में कोई सर्जरी हो गई है, या एंटासिड की दवाई बहुत दिन से खा रहे हैं, या क्रोन्स डिजीज हो गई, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, ऐसे लोग जो एल्कोहल का सेवन करते हैं, उन लोगों में इसकी कमी होना बहुत कॉमन है। अब इसको कैसे हम सुधार सकते हैं? ऐसे लोग जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए तो ठीक है, नॉन वेज में जिंक काफ़ी क्वांटिटी मिलता है। अगर कोई नॉन वेज हफ्ते में एक दो बार खाता है तो उसको जिंक की कमी नहीं होगी, चाहे वो चिकन खाए, मटन खाए, समुद्री झींगे, सीपी, कुछ भी खाए, रेड मीट खाए, मतलब पोर्क और बीफ और इस तरह की चीज़ें खाएगा, मटन खाएगा, उसको कमी नहीं होने वाली है अगर वो रेगुलर खाता है। क्योंकि इसकी ज़रूरत, जैसा कि मैंने बताया, कि सिर्फ 10 मिलीग्राम है। जो एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि इसको स्टोरेज हमारा शरीर नहीं करता, जो बाकी जैसे कि विटामिन होते हैं या दूसरे मिनरल्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, या कॉपर वगैरह है, उसका तो थोड़ा बहुत स्टोरेज होता है, जिंक का बिल्कुल नहीं होता। जिंक को हमें रोज ही चाहिए होता है, जहाँ जिस जैसी ज़रूरत होती है वैसा वहाँ पहुँच जाता है। जैसे कि मांसपेशियों, हड्डियों में सबसे ज़्यादा होता है, फिर लीवर के अंदर है, प्रोस्टेट के अंदर है, स्किन है, स्किन के अंदर भी जिंक काफ़ी होता है। स्टोरेज ना होने के कारण और खाने में ना होने के कारण ये प्रॉब्लम जाती है। अब हमें करना ये है कि अगर जिंक की डिफिशियंसी डायग्नोज हुई है, जैसे कि किसी को डायरिया लग रहा है, छोटे बच्चों को या महिलाओं के अंदर जिंक की कमी होना एक कॉमन बात है, या बार बार सर्दी खांसी जुकाम हो रही, स्किन में प्रॉब्लम है, एक्जिमा, डर्माटाइटिस, ये सब हो रहा है, या मेमोरी में दिक्कत है, चिड़चिड़ापन लग रहा है, डिप्रेशन लग रहा है,
रिप्रोडक्शन में दिक्कत हो रही है, स्पर्म प्रोडक्शन में दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर्स थोड़े दिन के लिए आपको जिंक के टेबलेट एडवाइस करेंगे। उसको आपको खाना ही खाना है, उसका दूसरा कोई तरीका नहीं है। खाने से एकदम से सडन नहीं बढ़ा जा सकता, स्पेशली अगर जो लोग वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं। कुछ खाने ऐसे होते हैं जिसमें जिंक होता है। अगर मैं उन खाने की बात करूं तो एक दालें हैं, दालें अलग अलग तरह की जितनी भी दालें होती हैं सब में जिंक होता है, लगभग एक ही मात्रा में होता है, लगभग लगभग एक मात्रा में होता है। तो आपके पास चना है, मटर है, उड़द है, इसके अलावा राजमा हो गया, तुअर की दाल हो गई, दूसरी और भी दालें हैं उन सब में होता है, तो उसको आप खाने में सम्मिलित करें। इसके अलावा काजू के अंदर होता है, बादाम के अंदर होता है, अखरोट के अंदर होता है और पिस्ता के अंदर होता है, तो उसको भी खाने में सम्मिलित कर सकते हैं। मशरूम्स में होता है, एक पालक सब्जी है उसमें होता है, भिंडी में थोड़ा बहुत होता है, स्वीट कॉर्न है इसमें होता है, और दही है, दही के अंदर भी एक कप में लगभग 1.5 मिलीग्राम के आसपास जिंक हो जाता है। तो ऐसे लोग जो वेजिटेरियन हैं वो इसी तरह के खाने का चुनाव करें या अपने खाने में इन सब चीज़ों को भी सम्मिलित करें कि दालें हो, दही हो, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स हो और एक दो सब्जियां, जैसा कि मैंने बताया कि एक भिंडी की सब्जी है, मशरूम की सब्जी है और पालक की सब्जी है और ब्रोकली होती है, उसमें भी थोड़ा बहुत क्वांटिटी में होता है। कहने का मतलब है कि आपको वैरायटी आप खाने ट्राई करने हैं खाने, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ दाल चावल रोटी पे चल रहे हैं काफ़ी दिनों तक, या एक ही तरह की सब्जी खा रहे हैं जैसे कि सिर्फ आलू ही खाते जा रहे हैं या कोई और ऐसी ही सब्जी, तो ऐसा नहीं करना है। और कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत जिंक होता है, स्पेशली एक होता है खरबूजा जिसके अंदर होता है, दूसरा अनार है और तीसरा अमरूद है, और बेरीज होती हैं उनमें भी थोड़ा बहुत होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिंक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है, ट्रेस एलिमेंट है, जिसकी हमारे शरीर की जो ग्रोथ डेवलपमेंट है उसके लिए इसको होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और हम अलग अलग खाने इस तरीके से अगर खाते हैं तो इसकी कमी की जो पूर्ति है या कमी नहीं होने पाएगी। और जिनके शरीर में कमी है उनको डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से छोटे बच्चों में सिरप देना है, बड़े में टैबलेट्स आती, जितने दिन वो एडवाइस कर रहे हैं उतने दिन खाना है, उसके अलावा फिर आगे हमें ध्यान रखना है। और ऐसे लोग जो नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ बातों का ये भी ध्यान रखना है कि स्पेशली अगर जिंक की टैबलेट वगैरह खा रहे हैं तो आयरन की टैबलेट और कैल्शियम की टैबलेट्स के साथ ना खाएं, आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स के साथ ना खाएं, और ऐसे खाने के साथ ना खाएं जिसमें फैटिक एसिड ज़्यादा होता है, जैसे कि गेहूं और चावल इनमें फैटिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है, जो काजू वगैरह भी होता है इनमें भी फैटिक एसिड होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो वेजिटेरियन खाना है उसमें जिंक होता कम है, और जो थोड़ा बहुत रहता है वो फाइटेट की वजह से, फैटिक एसिड की वजह से एब्जॉर्ब नहीं होता। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं को जिंक की डिफिशेंसी के बारे में, मीडिया में क्यों कमी है इसके बारे में जानकारी मिली होगी, और इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं वो भी आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।